हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकनेस्ट एंड पाकिस्तान सुपर लीग की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं 21st नंबर मैच की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्रिकेट से जुड़ी सारी फ्रेश अपडेट्स आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो PSL की 21st मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के बीच 14 फरवरी को रात 8 बजे से शुरू होगी। वेन्यू गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान है। पिच रिपोर्ट पे अगर नजर डालें तो टोटल मैचेस इस पिच पे 60 खेले जा चुके हैं। हाईएस्ट टोटल रन 375 रही है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 250 रही है। लोएस्ट स्कोर चेज 75 रन रही है। 8 मैचेस टाई हुई है इस पिच पे। बैटिंग फर्स्ट में 31 टीम्स ने जीत हासिल की है, वहीं बैटिंग सेकेंड में 28 टीम्स ने जीत हासिल की है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो टेम्परेचर 19 से 20 डिग्री तक रह सकती है। अब टीम फॉर्म पे अगर नजर डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक इस सीरीज में 6 मैचेस खेले हैं, 3 में जीत हासिल हुई है, वहीं 3 मैचेस में हार गए हैं। नेट रन रेट इस टीम की 0.792 की है। पॉइंट्स टेबल पे थर्ड पोजीशन पे 6 पॉइंट्स के साथ है। कराची किंग्स की बात करें तो 5 मैचेस टोटल खेले हैं। इस टीम ने एक भी मैच अभी तक जीत नहीं पाई है और 5 ही मैचेस में इनकी हार हो गई है। नेट रन रेट इस टीम की -1.136 की है। पॉइंट्स टेबल पे लास्ट पोजीशन पे 0 पॉइंट्स के साथ है। हेड टू हेड इस टीम की 8:4 की है। अब की प्लेयर्स पे नजर डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग ने पिछली मैच में 30 बॉल में 39 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 130 की थी। एलेक्स हेल्स ने 21 बॉल्स में 30 रन चेज करे थे। स्ट्राइक रेट 142.8 की थी। शादाब खान ने 1 बॉल में 34 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 178.95 की थी। इनके अलावा आजम खान ने 7 बॉल में 16 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 228.57 की थी। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो शादाब खान ने 4 विकेट लिए थे पिछली मैच में। इकोनॉमी 3.75 की थी। मकसूद ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 7 की थी। वहीं हसन अली ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 6.50 की थी। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मुनरो, आजम खान, मुबस्सिर खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, वकस मकसूद, हसन अली, फहीम अशरफ, आसिफ अली, शादाब खान और एलेक्स हिल्स जैसे प्लेयर्स अगली मैच में खेल सकते हैं। अब कराची किंग्स से की प्लेयर्स पर नजर डालें तो शाहबज़ फरहान ने पिछली मैच में 18 बॉल में 25 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 138.89 की थी। मोहम्मद नबी ने 28 बॉल में 47 रन मारे थे। स्ट्राइक रेट 167.56 की थी। इनके अलावा उम्मीद आसिफ ने 10 बॉल बनाए 10 रन मारे थे। स्ट्राइक रेट 100 की थी। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट लिया था, इकोनॉमी 9 की थी। शिनवारी ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 7 की थी इनकी। वहीं मोहम्मद नबी ने 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 11 की थी मोहम्मद नबी की। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो बाबर अजम, शाहिबजादा फरहान, लेविस ग्रेगरी, मोहम्मद नबी, मोहम्मद ताहा, उस्मान शिनवारी, उम्मीद आसिफ, क्रिस जॉर्डन, इमाद वसीम, आयन कॉकबेन, शर्जील खान जैसे प्लेयर्स अगले मैच में खेल सकते हैं। अब सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहे हैं। टीम में बहुत पोटेंशियल, लगातार मैचेस जीतती आ रही है। थोड़ी और मेहनत करेगी तो टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। तो ये थी मैच नंबर 21 की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रेडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।